अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नित नी से कहती है, मैं ये शादी नहीं करती, वैसे भी मैं और पावी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। नी, नहीं तुम्हें शादी करोगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जैसी बन जाओ, तुम्हारे पास अच्छा चांस है। पावी गुड पर्सन है, उसके पेरेंट्स तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम स्ट्रांग बन के रहो, ना कि मेरी तरह वीक। नित, ठीक है नी, मैं शादी करने को तैयार हूँ। देन नी नित को सारी बात बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले पैंट बैन और कौन ने आकर उसके साथ क्या किया। नित गुस्से में पैट के साथ पैन के घर पहुंचती है और वो पैन की मोटी मेड को बुद्धू बनाकर घर के अंदर घुस जाती है। पैन कहती है, पागल मेड, ये मेरी फ्रेंड नहीं बल्कि मेरे दुश्मन है, तुमने इन्हें अंदर आने क्यों दिया? मेड, ये कह रहे थे कि ये तुम्हारे फ्रेंड है इसलिए आने दिया। नित नी को बुली करने के लिए उन्हें बहुत सुनाती है, उनकी इंसल्ट करती है और पैन को तो बिच भी कहती है। पैन मेड से कहती है कि वो इस नित को बाहर निकाल दे। जब मेड नित को पकड़ रही होती है तो नित उसमें धक्का देती है, पर उसे वो हिला भी नहीं पाती। पर उसके धक्का देने से नित और पैट दोनों गिर जाती हैं और इसके बाद शुरू होता है उन सभी में घमासान युद्ध। कोई किसी को थप्पड़ मारता है, कोई किसी के बाल खींचता है। युद्ध के बाद नित और पैट वापस अपने घर चली जाती है। पैन नित की हरकत के बारे में पावी को बताती है, पर ये नहीं बताती कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने नी को बुली किया था। पावी पैन के घर पहुंचता है। पैन कहती है, मॉम तो नी के पास गई थी ये पूछने कि कहीं उसे कोई जरूरत तो नहीं है जिससे मॉम उसकी हेल्प कर सके, पर उसने तो वहाँ अपने नेबर्स को बुलाकर हमारी इंसल्ट की और यहाँ नित ने आकर हम पर अटैक किया। पावी, अब तुम इस नित का क्या करोगे? पावी, मैं नहीं चाहता कि इस मैटर को बढ़ाया जाए और वैसे भी स्टार्टिंग से ही मैं इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हूँ। कौन? तो हम खुद जाकर रोम और सारनाथ से मिलेंगे और उन्हें उनकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ की हरकत के बारे में बताएंगे। वो सभी पावी के साथ घर पहुंचते हैं और सारनाथ और रूम को सारी बात बताते हैं, पर इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारनाथ तो कौन से कहता है तुम अपनी प्रॉब्लम रूम को बताओ, मैं तो अपनी मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। बैन रूम से कहती है कि नित ने हमें बुली किया। रूम, अगर नित ने तुम्हें बुली किया है तो इसके पीछे कोई रीजन होगा, मैं नित को अच्छे से जानती हूँ, वो बिना रीजन के किसी को भी परेशान नहीं करेगी। तो पैन तुम मुझे रीजन बताओ। पैन कोई रीजन नहीं बता पाती, बताती तो उसकी पोल खुल जाती। जब पेरुत को पता चलता है कि नित ने उसकी वाइफ और डॉटर के साथ क्या किया तो वो गुस्से में नित के घर जाता है और उन्हें घर से निकलने को कहता है। नित घर से निकलने को मना कर देती है और कहती है, नी भी तुम्हारी वाइफ है इसलिए उसका हक भी इस घर पर है। पेरुत नित से बहस किए बिना वहाँ से चला जाता है। रात के बहुत लेट पावी नित को कॉल करता है। नित, इतना लेट कॉल क्यों किया, सब सो गए हैं और मैं भी। पावी, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे रूम की लाइट ऑन देख रहा हूँ। नित देखती है कि वो उसके घर के बाहर ही खड़ा है। पावी उससे मिलने आने को कहता है और कहता है, अगर नहीं आई तो कार का हॉर्न बजा बजा के सबको जगा दूंगा। नित उसके पास जाती है पर दरवाजे के अंदर से ही कहती है, अगर तुम उससे यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड, उसकी मॉम और फ्रेंड के झगड़े के बारे में बात करने आए हो तो मुझे कोई बात नहीं करनी। पावी, तुम में बिल्कुल मैनर्स नहीं है, दरवाजा ही नहीं खोला अभी तक। नित, मैंने अपनी बात कह दी, अब तुम यहाँ से जाओ। पावी, तुम्हें पैन और उसकी मॉम से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि आज तुम ही उनके घर गई थी और उन पर अटैक किया। नित, क्या उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि सबसे पहले वो मेरे घर आई थी और नी को बुली किया था? पावी, पैन की मॉम तो कह रही थी कि वो नी की हेल्प करने आई थी, कहीं उसे कुछ जरूरत तो नहीं है? नित, हाँ तुम उनकी बात पर ही बिलीव करोगे? वैसे मैं बता दूं, उन्होंने तुम्हें उल्लू बना दिया, अब्रॉड जाकर तुम्हें पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ, पैसे बर्बाद कर दिए तुमने, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बात पर ही विश्वास करो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। बाय। पावी को नित की बातें सुनकर लगता है कि शायद पैन ही उससे झूठ बोल रही है क्योंकि नित बिना रीजन के किसी को परेशान नहीं करती। नेक्स्ट डे रूम नित को घर बुलाती है जिससे वो ये बता सके कि वो अपने किस किस फ्रेंड को इन्विटेशन कार्ड देना चाहती है। अब तो रूम के साथ साथ सारनाथ भी पावी को छोड़कर नित की साइड हो गया है। पावी की सेक्रेटरी नॉक पैन को बताती है कि पावी और नित की शादी के इनविटेशन कार्ड आ चुके हैं। पैन उससे वो इनविटेशन कार्ड सेंड करने को कहती है, वो पैन के पास भेज देती है। पैन जब वो इनविटेशन कार्ड देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे फाड़ देती है और अपनी मॉम से कहती है कि वो कुछ भी करके उसकी हेल्प करे, उसे पावी वापस चाहिए। कौन? तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और पावी को तुम्हारे पास वापस लाऊंगी। देन नित अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड एडिटर एपिसोड को देती है, वो बिल्कुल खुश नहीं होता और नित के जाने के बाद खुद से कहता है, सही हुआ मेरे साथ, बस देखता ही रहता था।
नित से एक बार भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश नहीं की। पेन बेन से मिलती है और कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं एक न्यू सोसाइटी में स्प्रेड करना चाहती हूँ। बेन, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट डे पावी न्यूज़पेपर में अपनी मॉम के बारे में न्यूज देखता है कि उनकी डेथ नहीं हुई है बल्कि वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। पावी का सीधा शक नित पर जाता है कि उसने ही ये न्यूज स्प्रेड की होगी, पर घर पर सारनाथ और रुंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रुंग तो पावी से कहती है, ये नित नहीं कर सकती, मुझे उस पर बिलीव है क्योंकि वो इसी फैमिली की मेंबर बनने वाली है और वो इस फैमिली को तोड़ने का काम नहीं करेगी। नित को जब ये न्यूज का पता चलता है तो उसे बुरा लगता है और उसे लगता है कि कहीं रुंग और सारनाथ उस पर शक ना करे, जबकि उसने ये नहीं किया। नित को लगता है कि ये न्यूज स्प्रेड करने का काम टेन का हो सकता है। देन नित अपनी गलती ना होने के बावजूद भी सारनाथ और रुंग से माफी मांगने जाती है, पर घर पर वो तो नहीं होते बल्कि पावी उससे मिलता है। पावी उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया जबकि मेरी मॉम तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करती थी। नित, मैंने कुछ नहीं किया। पावी, तो किसने किया? मैंने। नित बिना बहस किए वहां से जाने लगती है। पावी उसे रोकता है और कहता है, तुम मेरी फैमिली का नेम डिजर्व ही नहीं करते, वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? नित, मैं यहाँ हमारी वेडिंग कैंसिल करने आई थी और जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने। पावी, पर जब तुमने किया ही नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रही हो? नित उसे अपना हाथ छोड़ने को कहती है। पावी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ? सच तो ये है, मैं तुम्हारा फेस भी देखना नहीं चाहता। जब वो नित की बहुत इंसल्ट करता है तो नित उसे स्लैप मारती है। पावी उसे जबरदस्ती किस करने को पकड़ता है। नित उसे दोबारा स्लैप मारती है। पावी, मैं किसी को मुझे फ्री में स्लैप मारने नहीं दे सकता। और वो जबरदस्ती नित को किस करता है। नित, तुम बहुत बुरे हो। पावी, वो तो तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा कि मैं कितना बुरा हूँ। नित वहां से चली जाती है। नित को किस करते हुए पावी की मेड देख लेती है और वो ये बात पेन को बताती है। पेन को लगता है पावी उसके हाथ से जा रहा है, तो वो अपनी मॉम से कहती है कि वो पावी को कॉल करके ये बताए कि वो बहुत बीमार है। कौन? पावी को कॉल करके बताती है कि पेन की तबीयत खराब है। पावी तुरंत पेन से मिलने उसके घर पहुंचता है। पावी, पेन, तुमने मेडिसिन ली? पेन, हाँ, पर कोई भी काम नहीं कर रही, मैं मरना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। पावी, तुम ऐसा नहीं कहो। पेन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि नित तुम्हारी फैमिली को तोड़ना चाहती है, फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स उसे लाइक करते हैं और मैं जो तुम्हारी फैमिली को लाइक करती हूँ तो वो मुझे हेट करते हैं। पावी, तुम ये नहीं कहोगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा कि मॉम को उस लड़की में क्या अच्छा लगता है। अच्छा पेन, हम दोनों पताया घूमने चलते हैं जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। पेन, ठीक है। पेन अपने पताया जाने का प्लान बेन को बताती है। बेन, तुम मुझे अपने और पावी के फोटोज भेजना जिससे मैं उस नित को जेलस फील कराऊंगी। नेक्स्ट डे पावी पताया जाने के लिए निकलता है, पर वो रूम को नहीं बताता कि वो पेन के साथ जा रहा है। वो बस कहता है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। और उधर पेन अपनी मॉम से कहती है कि वो डैड को ना बताए कि वो पताया पावी के साथ जा रही है। कौन, तुम टेंशन नहीं लो और वहाँ खूब इंजॉय करना। देन बेन ऑफिस में नित को बताती है कि पेन और पावी दोनों साथ में वेकेशन एंजॉय करने पताया गए हैं। भले ही पावी की शादी तुमसे हो रही है, फिर भी पावी पूरे दिल से पेन को लव करता है। नित को उसकी बातों पर गुस्सा आता है और इसी के साथ एपिसोड 10 एंड होता है।